1813 का चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद। इसमें इसमें क्या क्या प्रावधान किए? यह चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट के आने का प्रमुख कारण था लॉर्ड वेलेजली की आवश्यक नीतियां व ईसाई मिशनरियों की भारत में धार्मिक संरक्षण की मांग। जो लॉर्ड वेलेजली भारत में गवर्नर जनरल बन के आया उसकी कुछ आवश्यक नीतियां, और ईसाई मिशनरी जो भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे उनकी धार्मिक संरक्षण की मांग के कारण यह एक्ट आया। और इस एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी पहले भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, अब ब्रिटेन की संसद द्वारा यह एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत में ब्रिटेन की और भी कंपनियां हैं वो भी आकर के अपना व्यापार कर सकती हैं। दूसरा है अन्य व्यापारियों को व्यापार का मौका, चाहे वो चीन को छोड़कर, यानी कि चाय पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार था, और चीन पर जिससे चीन पे जो भी व्यापार होता था वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। कंपनी को राजनीतिक मामले दिए गए। अभी तक कंपनी को अधिकार था कि वो व्यापार करेगी, लेकिन अब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को राजनीतिक मामले दिए गए हैं कि आप राजनीतिक मामले भी देखेंगे। और भारतीयों को खुश करने के लिए शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया गया। भारतीय उस समय शिक्षा ज्यादा थी। ईसाई मिशनरी भारत आने की अनुमति, यानी कि अब ईसाई मिशनरी जो अपने धर्म का ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे वह भारत आ सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते।